पाकिस्तान में YouTube पर लग सकता है बैन। जी हाँ दोस्तों, चाइना की तर्ज पर, चाइना में आपको पता होगा YouTube, Google, Facebook, WhatsApp सब कुछ बैन है, उसी तर्ज पर शायद पाकिस्तान भी बढ़ रहा है और पाकिस्तान में YouTube पर बैन लग सकता है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हिंट दिए हैं जिसके मुताबिक YouTube पर बैन लगाया जा सकता है, जिससे पाकिस्तान में काफ़ी चिल्ला चौक मच गई, क्योंकि पाकिस्तान के ज़्यादातर एक्स क्रिकेटर YouTube पर ही डिपेंडेंट हैं, उनकी रोजी रोटी YouTube से ही चल रही है और पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत को गालियाँ दे देकर YouTube से पैसे बना रहे हैं। तो दोस्तों, इसी पर कुछ कमेंट किए हैं पाकिस्तान की एक एंकर जो हमेशा भारत पर ही डिपेंडेंट रहती है, इनका कोई टॉपिक भारत के बिना पूरा। इसकी हकीकत क्या है? देखिए, ये हमने पहले देखा कि पबजी पे बैन का मामला हो या टिकटॉक को वार्निंग देने का मामला हो, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब रिमार्क्स है यूट्यूब पे जो काबिल एतराज़ मवाद है उसके हवाले से, तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, हर जगह एक तशवीश थी और ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट शायद यूट्यूब को बैन करने जा रही है। ऐसा मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो तशवीश है, जो सुप्रीम कोर्ट का एतराज़ है, जो सुप्रीम कोर्ट के इजहार बरहमी हैं, वो इस बात पर है कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, जो जजेस की फैमिलीज़ के खिलाफ, जजेस के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, उसके ऊपर इदारे कार्रवाई क्यों नहीं करते। हमारे सामने आप देखें, ये साइबर क्राइम के हवाले से हमने देखा है कि हमारा मुल्क बहुत पीछे है। हम देखते हैं जजेस को थ्रेट्स मिलते हैं, कुछ नहीं होता। आप देखें फीमेल्स को ब्लैकमेल किया जाता है, कुछ नहीं होता। आपके नाम पे 10 अकाउंट्स हों, चाहे आप बड़े से बड़ी शख्सियत ही क्यों ना हो, आपके उस कंप्लेंट पे कुछ नहीं होता। एतराज़ अहसन साहब देखें, कई बार वो चैनल्स के ऊपर आकर कह चुके हैं कि मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, लेकिन वो चली जा रहा है। डीजी ISPR जो नए आए बाबर इफ्तार साहब, उनके नाम के 15 अकाउंट्स बन गए। हर ये जो मामलात हैं, ये इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये एतराज़ है, यानी किसी का भी नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, हां कोई रूल्स नहीं। हां बिल्कुल। हाँ। अब मसला ये है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रिमार्क्स तो ज़रूर दिए हैं। अब यहाँ पे जो इदारे हैं उनकी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं, वो कहते हैं कि YouTube पे कोई भी वीडियो हम डिलीट नहीं कर सकते। हाँ। हम YouTube को कंप्लेंट कर सकते हैं, फैसला उन्होंने करना है। और यहाँ पे मसला ये है कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हुकूमत कुछ सोशल मीडिया लॉज लाने के हवाले से प्लानिंग कर रही थी, लेकिन उसके बाद ऐसा शोर बरपा हुआ के बस आज़ादी इजहार राय पे कदम लगने जा रही है, तबाही होने जा रही है, बर्बादी होने जा रही है, और फिर वो मामला डिले हो गया। लेकिन आपको सोशल मीडिया को रेगुलेट करना पड़ेगा, पबजी को बैन करना कोई हल नहीं है। टिकटॉक, अब देखें ना, पहले पबजी पे चलें बात कर लेते हैं। पबजी का मसला ये है कि पाकिस्तान में सैकड़ों ऐसे नौजवान हैं जो उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जो उसको उसको उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि उसको रेगुलेट किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम और फैमिली जो हैं वो अपने बच्चों को थोड़ा सा एजुकेट करें कि वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उसका ना करें। लेकिन आप अगर पबजी बंद ही कर देंगे, उस तरह की और 10 गेम्स आ जाएंगी, अब किस किस चीज़ को बैन करेंगे? अच्छा, टिकटॉक पे आ जाएं, टिकटॉक अगर आप बंद कर भी दें, टिकटॉक की तरह की दर्जनों चीज़ें नहीं आ जाएंगी। आप देखें पाकिस्तान में पोर्न वेबसाइट्स बंद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं प्रॉक्सी के ज़रिए, मुख्तलिफ ज़रियों से देखी जाती हैं। मसला वेबसाइट्स को, या चलें आप गैर अखलाकी वेबसाइट्स तो बैन करें, बिल्कुल जस्टिफाइड है, लेकिन इस तरह की ऐप्स और फिर यूट्यूब के हवाले से जो एक तश्वीश है, अगर ये प्लेटफॉर्म्स आप बंद कर देंगे तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। पहला नुकसान ये कि आप दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हम बिल्कुल टेक्नोलॉजी में इस तरह की जो ऐप्स हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करते और वो हम बैन कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो लोग इससे जो जैसे मैंने पबजी की बात की, जो नौजवानों से पैसे कमा रहे थे वो अब ज़ाहिर है बेरोज़गार हो गए। फिर इसके अलावा यूट्यूब देखें, पाकिस्तान में लाखों डॉलर्स हर माह जो हैं वो बाहर से आते हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल बहुत इनकम आती है। और इससे भी बड़ा नुकसान यह है कि आप इमेज क्या देंगे पूरी दुनिया को कि आपने यूट्यूब को बैन कर दिया है, पहले भी हमने बैन किया उसका हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो आज इस पे जाहिर है बहुत ज्यादा, और सदी उससे एक नुकसान ये भी होगा कि अगर वो बैन हो जाता है तो जाहिर बात है हम बाकी दुनिया के मुकाबले में सोशली बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल, देखें ये तश्वीश सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब को बैन करने नहीं जा रही, ना ही सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब को बैन करेगी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये चाह रही है कि इसको रेगुलेट किया जाए। जस्टिस मुशीर आलम साहब उस बेंच का हिस्सा थे, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब थे, जस्टिस उनका जी रेगुलेट किया जाए। और अगर कोई गैर अखलाकी मवाद है, अगर कोई किसी के ऊपर अटैक्स हैं, किसी को जो है वो किसी के खिलाफ ऐसी कोई मुहिम चलाई गई है उसको बदनाम करने के लिए इदारों को या शख्सियात को, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है।
अच्छा सदीक, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, नाजरीन भी जानना चाहेंगे ना, आपकी बात में से बहुत सी बातें निकलती हैं, बहुत से सवाल निकलते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अगर किसी के खिलाफ कोई खबर है, कोई ऐसी चीज है कि जिससे कोई डिफेम हो रहा है, किसी की इज्जत उछाली जा रही है, जिस तरह किया जाता है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तो फिर क्या वो बंदा कंप्लेंट करेगा, फिर उस मवाद को हटाया जाएगा, उसका कितना लंबा चौड़ा प्रोसीजर होगा? क्योंकि हमारे मुल्क में हमने देखा है कि बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, कि इंसान कहता है इतने लंबे प्रोसेस से गुजरने के बजाय बैठे ही रहें। सॉरी टू से, ये बड़ी एक मैंने कड़वी बात की है जो कि हकीकत है। बिल्कुल ये हकीकत है। आप देखें, कोई भी कंप्लेंट करता है, किसी डेफामेशन के लॉज का देख लें, आप अदालत में जाते हैं, यानी किसी ने कंप्लेंट करी, सॉरी आपकी बात काट रहे, किसी ने पुलिस स्टेशन जाना ना, तो लोग कहते हैं पुलिस स्टेशन जाने से बेहतर है कि मामला दबा ही दिया जाए, क्योंकि आगे रवैये का पता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो मैंने आपको कहा कि साइबर क्राइम के हमारे लॉस का भी मसला है, हमारे इदारों का भी मसला है, हमारे पास स्टाफ बहुत कम है, हमारे पास प्रोसिक्यूटर्स बहुत कम है, हमारे पास टेक्नोलॉजी वो नहीं है, हमारे पास सिस्टम वो नहीं है। इस मामले में बहुत इनकलाबी इकदाम की ज़रूरत है, बहुत तेज़ी से इकदाम की ज़रूरत है। आपको तादाद बढ़ानी चाहिए। आप देखें, आपने देखोगे कितनी फीमेल्स हैं जिनको सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी तस्वीरें वहाँ से उठा के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे शेयर की जाती हैं, क्या कुछ किया जाता है, और जिसकी मर्जी आप सोशल मीडिया पे बैठ के आप उसको बदनाम कर दें, उसके ऊपर उसकी पगड़ी उछालें, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो रूल सॉरी मैं बात चाहती हूँ, मैं याद करवाती चलूँ, आपको याद होगा, बल्कि शायद आपने भी मुझे एक अकाउंट किसकी एक ट्वीट भेजी थी ट्विटर पे, एक अकाउंट, बल्कि काफ़ी अकाउंट्स बने हुए मेरे नाम से, तो मुझे काफ़ी लोगों ने रब्ता किया कि एक ट्वीट थी, शायद बिलावल के बारे में थी, आई डोंट नो किसी के बारे में थी, तो मुझे किसी ने कहा तुम्हारे अल्फाज हैं, तो मैंने हर किसी को मैसेज में रिप्लाई करके बोला कि ये मेरा ट्विटर अकाउंट नहीं है। फिर मैंने अपने ट्विटर हैंडल से जाके ट्वीट की कि ये अकाउंट मेरा नहीं है, इसको रिपोर्ट किया जाए। और मैं आज सबको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर अंडरस्कोर फिजा खान, इस नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है, FIZAKHAN। इसके अलावा जितने भी फेक अकाउंट्स हैं, प्लीज तमाम को अनफॉलो कर दें, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सिद्दीक, मैं आपके सामने हूं, आपने भी दो तीन अकाउंट्स मुझे बताए कि ये आपके नाम से ऑपरेट हो रहे हैं, आपके अकाउंट्स बने हुए फेक, तो इसके दस्ते में तो आप और मैं खुद भी हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए? और ना जाने कितनी आपके मेरे जैसे। बिल्कुल बहुत से पाकिस्तानी हैं, बल्कि हमने इसी प्रोग्राम में एक सामने मामला लाए थे कि जहाँ पे तहरीक इंसाफ की एक खातून MNA का नाम इस्तेमाल करके और बहुत सारी लड़कियों को जो है वो लाहौर बुलाया गया, और वो बड़ा एक बहुत बड़ा वो स्कैंडल था, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज कराई, FIR हुई, मुलजिम गिरफ्तार हुआ, उसके बाद फिर वो रिहा हो गया। तो ये बहुत बड़ा मसला है, यही कोर्ट का कंसर्न है। आप देख लें, जो काजी फैज साहब को धमकियों का मामला हो, दीगर ये जो अभी एक तोहीन अदालत का एक और केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि, और आपको याद होगा आज से एक डेढ़ माह पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक उनकी तरफ से एक बात आई थी कि जुडिशरी के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, हम उन्होंने DGFIA को कहा था कि आप एक्शन लें और आप कार्रवाई करें, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मसला ये है कि कवानीन भी बनाने की ज़रूरत है, कैपेसिटी अपने इदारे की बढ़ाने की ज़रूरत है, वहाँ स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है, अच्छे लोग लाने की ज़रूरत है, अच्छे माहरीन लाने की ज़रूरत है। अगर हमने इस सोशल मीडिया को रेगुलेट ना किया तो फिर जाहिर है इन चीज़ों को, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बंद कर दें यूट्यूब, बंद कर दें ये सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ को बंद करना हल नहीं है, उसको रेगुलेट किया जाए और हल नहीं है, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने, बनवाए जाए और उनको ये कहा जाए कि वो पाकिस्तान के कमरे, यानी सिद्दीक अब आखिरी 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 30 सेकंड्स हैं, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, यानी कंक्लूजन ये है कि हल आपका हल होना चाहिए, ये नहीं किसी चीज का हल ये नहीं कि आप उसको बैन कर दें, उसको रेगुलेट करें, उन मसाइल का हल तलाश किया जाए, उसको रेगुलेट कैसे किया जाए? जी बिल्कुल, रेगुलेट किया जाए, बैन हल नहीं है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब को बैन करने जा रही है, ये मैं आपको कैटेगोरिकल बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट नहीं बैन करने जा रही यूट्यूब को। ठीक है जी, जिन लोगों को लगता था कि जी शायद यूट्यूब बैन होने जा रहा है, तो सदीक जान ने कहता दिया कि सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब को बैन नहीं करने जा रही, बल्कि इसको रेगुलाइज किया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बेहतर हो जाएगा, बल्कि काफ़ी अकाउंट्स बने हुए मेरे नाम से, तो मुझे काफ़ी लोगों ने रब्ता किया कि एक ट्वीट थी, शायद बिलावल के बारे में थी, आई डोंट नो किसी के बारे में थी, तो मुझे किसी ने कहा तुम्हारे अल्फाज हैं, तो मैंने हर किसी को मैसेज में रिप्लाई करके बोला कि ये मेरा ट्विटर अकाउंट नहीं है। फिर मैंने अपने ट्विटर हैंडल से जाके ट्वीट की कि ये अकाउंट मेरा नहीं है, इसको रिपोर्ट किया जाए। और मैं आज सबको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर अंडरस्कोर फिजा खान, इस नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है, FIZAKHAN। इसके अलावा जितने भी फेक अकाउंट्स हैं, प्लीज तमाम को अनफॉलो कर दें, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सिद्दीक, मैं आपके सामने हूँ, आपने भी दो तीन अकाउंट्स मुझे बताए कि ये आपके नाम से ऑपरेट हो रहे हैं, आपके अकाउंट्स बने हुए फेक, तो इसके दस्ते में तो आप और मैं खुद भी हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए? और ना जाने कितनी आपके मेरे जैसे।
बिल्कुल बहुत से पाकिस्तानी हैं, बल्कि हमने इसी प्रोग्राम में एक सामने मामला लाए थे कि जहाँ पे तहरीक इंसाफ की एक खातून MNA का नाम इस्तेमाल करके और बहुत सारी लड़कियों को जो है वो लाहौर बुलाया गया और वो बड़ा एक बहुत बड़ा वो स्कैंडल था, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज कराई, FIR हुई, मुलजिम गिरफ्तार हुआ, उसके बाद फिर वो रिहा हो गया। तो ये बहुत बड़ा मसला है, यही कोर्ट का कंसर्न है। आप देख लें जो काजी फैसल साहब को धमकियों का मामला हो, दीगर ये जो अभी एक तोहीन अदालत का एक और केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि, और आपको याद होगा आज से 1.5 माह पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक उनकी तरफ से एक बात आई थी कि जुडिशरी के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, हम उन्होंने DGFIA को कहा था कि आप एक्शन लें और आप कार्रवाई करें, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मसला ये है कि कवानीन भी बनाने की ज़रूरत है, कैपेसिटी अपने इदारे की बढ़ाने की ज़रूरत है, वहाँ स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है, अच्छे लोग लाने की ज़रूरत है, अच्छे माहरीन लाने की ज़रूरत है। अगर हमने इस सोशल मीडिया को रेगुलेट ना किया तो फिर जाहिर है इन चीज़ों को बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बंद कर दें YouTube, बंद कर दें ये सारी चीज़ें। किसी भी चीज़ को बंद करना हल नहीं है, उसको रेगुलेट किया जाए और हल नहीं है, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने, बनवाए जाए और उनको ये कहा जाए कि वो पाकिस्तान के कमरे। यानी सिद्दीक अब आखिरी 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 30 सेकंड्स हैं, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। यानी कंक्लूजन ये है कि हल आपका हल होना चाहिए, ये नहीं किसी चीज का हल ये नहीं कि आप उसको बैन कर दें, उसको रेगुलेट करें, उन मसाइल का हल तलाश किया जाए, उसको रेगुलेट कैसे किया जाए। जी बिल्कुल, रेगुलेट किया जाए, बैन हल नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट YouTube को बैन करने जा रही है, ये मैं आपको कैटेगोरिकल बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट